नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपके साथ मौजूद हूं हरियाणा की एक विशेष राजनीति को लेकर। राजनीति यानी कि सांसदों वाली राजनीति, राजनीति यानी कि जिसके अंदर हरियाणा प्रदेश के अंदर कई बार मुख्यमंत्री पद का ताज सांसदों के सिर बनता रहा, यानी कि वो नेता जो सांसद चुन करके गए थे और फिर उनको हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की कुर्सी मिली। उसमें आप मान सकते हैं कि 2005 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री बने तो उस समय वो चुने हुए विधायक नहीं थे, बल्कि वो सांसद थे। रोहतक से सांसद बने थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनको पार्टी ने, कांग्रेस आला कमान ने मुख्यमंत्री पद का ताज सौंप दिया था। और अगर वर्तमान का देखें तो जो नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, नायब सिंह सैनी को भी भारतीय जनता पार्टी ने सांसद पद से ला करके और हरियाणा का मुख्यमंत्री बना दिया। आप ध्यान करें कि जब 12 मार्च को मुख्यमंत्री पद पर ताजपोशी हुई थी नायब सिंह सैनी की, मनोहर लाल के स्थान पर रिप्लेस किया गया था नायब सिंह सैनी को, तो उस समय नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र के सांसद थे। बाद में उनका कुरुक्षेत्र के सांसद से इस्तीफा हुआ और उन्होंने विधायक का चुनाव लड़ा, उपचुनाव करनाल की विधानसभा सीट जो खाली हुई मनोहर लाल के रिजाइन से, वहां से विधायक बने। यानी कि पहले सांसद, सांसद से मुख्यमंत्री और फिर बाद में विधायक, चाहे वो 2005 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे और या फिर अब नायब सिंह सैनी। जिस मुद्दे पर आपके साथ मैं चर्चा में हूं वो कुछ ऐसा ही है, और वो मुद्दा ये है कि क्या कांग्रेस से, आपको ज्यादा घुमाते फिराते हुए ना ले चलते हुए मैं सीधे आता हूं कि क्या 2024 में कांग्रेस की अगर सरकार बनती है, अगर कांग्रेस को मेजोरिटी मिलती है, तो क्या फिर हरियाणा का मुख्यमंत्री कोई सांसद होगा? यानी कि जो चुने हुए सांसद हैं हरियाणा से कांग्रेस के 5, क्या कोई उनमें से मुख्यमंत्री हो सकता है? अगर आप देखें तो इस समय 2 सांसद हरियाणा में यात्राएं निकाल रहे हैं। एक सांसद है पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा। दीपेंद्र हुड्डा जो जवाब मांग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, और जिनकी यात्रा का मकसद है कि हरियाणा के अंदर कोने कोने तक, जन जन तक पहुंचे और जन जन तक वो जा करके जनता के बीच से सवाल उठा रहे हैं, सरकार से जवाब मांग रहे हैं, और उसके अंदर कहा है कि हरियाणा मांगे जवाब, यानी कि हरियाणा की जनता की तरफ से दीपेंद्र सिंह हुड्डा जवाब मांग रहे हैं। अब अगर बात आ जाती है तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा ना तो CLP के लीडर हैं और ना ही वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन उनकी यात्रा को हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी PCC से भी मंजूरी मिली हुई है। PCC के सहयोग से ही, PCC के बैनर तले ही यात्रा है। और अगर माने तो फिर दीपेंद्र हुड्डा की यात्रा को AICC का भी आशीर्वाद है। और दूसरी तरफ दूसरी सांसद हैं कुमारी सैलजा। कुमारी सैलजा भी यात्रा कर रही हैं, पद यात्रा भी कर रही हैं। कल यानी कि 3 अगस्त को वो आएंगी फरीदाबाद में भी। तो कुमारी सैलजा जो यात्रा निकाल रही हैं, उनकी यात्रा का नाम है हरियाणा का हक मिलने तक, कांग्रेस संदेश यात्रा निकाल रही हैं कुमारी सैलजा। और इसी मुद्दे पर आपसे मैं बात कर रहा हूं कि ये जो दोनों सांसद समानांतर अपनी यात्राएं निकाल रहे हैं, और जो कुमारी सैलजा की यात्रा को भी लगता ऐसा है कि जैसे AICC का उनको भी आशीर्वाद मिला हुआ है, क्योंकि AICC के राहुल गांधी के आदेश निर्देश पर ही पोस्टर पर जो फोटोज आए थे, इसलिए आप मान सकते हैं कि AICC को सब पता है कि यात्रा चल रही है कुमारी सैलजा की, और उनको रोका नहीं गया, तो इसका मतलब उनका कहीं ना कहीं वरदहस्त है, कहीं ना कहीं आशीर्वाद है। और अब बात वही आ जाती है जो मैं आपसे कह रहा था कि क्या अगर अब कांग्रेस को मेजोरिटी मिलती है 2024 के चुनाव में, कांग्रेस को बहुमत मिलता है, तो फिर क्या एक बार दोबारा से 2005 वाला इतिहास दोहराया जाएगा, जबकि कोई सांसद हरियाणा का मुख्यमंत्री हो? अब आपसे दोनों के बारे में, यानी कि दीपेंद्र हुड्डा और कुमारी सैलजा के बारे में विस्तार से बात कर लेते हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी हाल ही में रोहतक से सांसद चुने गए हैं। वैसे तो वो चौथी बार सांसद बने, लेकिन पिछला चुनाव वो हार गए थे, 2019 का लोकसभा चुनाव, और अब वो 2024 के चुनाव में उन्होंने अपनी जीत, बहुत बड़ी जीत, बहुत बड़े अंतर के साथ, लगभग 3.5 लाख वोटों के अंतर से जीत दर्ज की। दीपेंद्र हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे हैं, तो राजनीतिक रूप से उनकी विरासत भी दीपेंद्र हुड्डा के पास है, उनके उत्तराधिकारी भी हैं।
दीपेंद्र हुड्डा के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत सौम्य और सरल स्वभाव के हैं, लोगों से बड़ी तल्लीनता के साथ मिलते हैं, लोगों की समस्याएं सुनते हैं। और एक बार दीपेंद्र हुड्डा ने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने इंटरव्यू में कहा था कि जो भी उनके दरवाजे पर आ जाता है उससे वो बिना मिले निकलते नहीं, उसकी सुनते जरूर हैं। और दीपेंद्र हुड्डा को लेकर के आप दूसरी बात ये मान लें, ये तो उनकी क्वालिटी हुई, उनका गुण हुआ कि वो आम लोगों के नज़दीक टच में रहते हैं। और दूसरी बात अगर आ जाती है तो फिर आजकल के दौर में आप देखें, एक तो वो यात्रा निकाल रहे हैं, दूसरा आप अगर देखें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और उनके जो समर्थक लोग हैं उनको एक प्रकार से एक मैसेज अग्रेषित हो चुका है, एक संदेश पहुंच चुका है कि दीपेंद्र हुड्डा भविष्य के नेता हैं। उनके पास ये संदेश है कि दीपेंद्र हुड्डा ही उनका जो उत्तराधिकारी है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के, और हुड्डा साहब भी चाहते हैं कि उनका वरदहस्त जो उन्होंने दिया है दीपेंद्र हुड्डा को वो जनता तक वो मैसेज रहे। और इस संदेश को जनता तक पहुंचाने में काफी हद तक कामयाब भी हुए हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। अगर आप देखें तो प्रदेश के कई बड़े दिग्गज चेहरे, कई बड़े दिग्गज नेता कांग्रेस के जो हैं, जो कि पिछले समय में ये समझते थे कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा अभी तो उनके सामने बच्चा है, लेकिन इस यात्रा से और इस जीत से, जो अभी जीत हुई है 2024 वाली, इन सबको देखने के बाद में एक प्रकार से जो कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट के, उन लोगों ने भी एक प्रकार से दीपेंद्र सिंह हुड्डा को अपना नेता मान लिया है। जहां तक मैं आपसे बात करूं, अगर बात आ जाती है कि कांग्रेस को सत्ता मिलती है, कांग्रेस को मेजोरिटी मिलती है और हुड्डा परिवार पर कांग्रेस भरोसा जताती है, तो फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्यों नहीं, दीपेंद्र हुड्डा क्यों? तो इसका सबसे बड़ा कारण तो आप ये मान लें दोस्तों कि पिछले समय में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर कई मामले, चाहे वो ईडी के चाहे वो सीबीआई के, वो दर्ज हुए। वो मामले इस समय भी विचाराधीन भी हैं। और ये बातें कई बार चलती रही कि केंद्र की सरकार, जो केंद्र की बीजेपी सरकार है, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर शिकंजा कसने के लिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर दबाव बनाने के लिए कई प्रकार की रणनीति होती हैं। और माना ये भी, हालांकि सरकारें कहती हैं कि कानून अपना काम करता है हर मामले में, लेकिन चाहे वो पूर्व की सरकारें हों चाहे आज की सरकारें हों, जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं इनको हमेशा माना जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से काफ़ी हद तक संचालित होती हैं। खैर, अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पर जो उन पर आरोप लगे हैं, जिस प्रकार के FIR हैं, जो मामले विचाराधीन हैं, उन सबसे बचते हुए कांग्रेस एक फैसला कर सकती है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा को कमान दे दी जाए। अगर अगली बात आए तो फिर दीपेंद्र सिंह हुड्डा एक्टिव हैं, क्रियाशील हैं, यात्रा करके उनको दिखा दिया गया कि वो जननेता भी हैं। जिस मेजोरिटी से वो चुनाव जीते ये भी तय हो गया कि दीपेंद्र हुड्डा की संगठन क्षमता बहुत ज़बरदस्त है। और इसके साथ साथ दीपेंद्र हुड्डा जिस प्रकार से आजकल आप देखते हो तो लोकसभा में जैसे बोलते हैं, जिस प्रकार से उनका संबोधन होता है और जैसे वो राहुल गांधी के अंग संग दिखाई देते हैं, तो उसका एक मायने भी है, उसका एक संदेश भी है कि दीपेंद्र हुड्डा की स्वीकार्यता कांग्रेस आलाकमान में भी है, गांधी परिवार में भी है, वहां से भी कोई दिक्कत नहीं है। इस लिहाज से दीपेंद्र हुड्डा भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट से PCC वाला जो आजकल खेमा है उससे बतौर मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट हो सकते हैं, उनका नाम चल सकता है। इसलिए मैंने कहा कि क्या फिर से एक सांसद बन सकता है मुख्यमंत्री, तो पहला नाम तो दीपेंद्र हुड्डा और उनके बारे में जो उनके पक्ष में जो बात जाती है वो ये सब हैं। अब अगर अगली बात आ जाती है तो कुमारी शैलजा का क्या रोल हो सकता है? कुमारी शैलजा जो हाल ही में सिरसा से सांसद बनी है, 2014 और 2019 के चुनाव तो वो हार गई थी, लेकिन जब 2024 के चुनाव में वो लगभग 2.5 लाख मतों के बड़े अंतर से चुनाव जीती सिरसा से। कुमारी शैलजा कांग्रेस की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रही हैं। कुमारी शैलजा केंद्र सरकार में, मनमोहन सरकार में वजीर रही हैं। कुमारी शैलजा सोनिया गांधी और गांधी परिवार के बहुत नज़दीकियों में गिनी जाती हैं। कुमारी शैलजा को सोनिया गांधी की किचन कैबिनेट का मेंबर तक भी कहा जाता है। कुमारी शैलजा के बारे में आप माने तो बड़ी दलित नेत्री हैं और उनका हरियाणा, न केवल हरियाणा बल्कि बाहर आसपास के प्रदेशों में भी दलितों पर असर है। कुमारी शैलजा पिछले दिनों से जो उनका अलग से यात्राएं चलती रही, अगर लोकसभा चुनाव से पहले भी उनकी यात्रा थी जिसको कि रोकने की भी कोशिश की, दीपक बावरिया ने भी कहा, लेकिन इसके बावजूद वो यात्रा चली। और अगर अब बात आ जाती है तो कुमारी शैलजा अब भी हरियाणा का हक मिलने तक के नाम से कांग्रेस संदेश यात्रा जो निकाल रही हैं, मैंने पहले ही बताया कि उनको भी कहीं ना कहीं AICC के बड़े नेताओं का वरदहस्त है, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का। अब अगर बात आ जाती है कि मुख्यमंत्री का चेहरा,
तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा विरोधी गुट जो है उसकी अगर ये कह दिया जाए कि कुमारी सैलजा सर्वमान्य नेता हो सकती हैं, तो ये उनके पक्ष में पहली बात जाती है कि कुमारी सैलजा जो है हुड्डा विरोधी गुट, चाहे वो रणदीप सिंह सुरजेवाला हैं, चाहे खुद कुमारी सैलजा हैं, चाहे चौधरी वीरेंद्र सिंह हैं, कैप्टन अजय यादव हैं, ये जो तमाम नेता हैं ये सैलजा जी को भी अपना नेता मान सकते हैं। उसके बाद बात आ जाती है, अगर आगे चलते हैं तो फिर जो राजनीति चली हरियाणा के अंदर, जो जाट और नॉन जाट वाली पॉलिटिक्स चली, और कांग्रेस के लिए कांग्रेस ने जिस प्रकार से पिछले समय में SC यानी कि दलितों का और BC OBC ST का जो मुद्दा उठाया है, उस लिहाज से वो कांग्रेस की जो योजना है, कांग्रेस की जो प्लानिंग है, उस पर खरी उतरती हैं। और जो मुख्य बात फिर आ जाती है वो ये है कि कुमारी सैलजा का भी अम्बाला, सिरसा, हिसार इन जिलों में अच्छा खासा असर है। इसके साथ साथ हरियाणा के बाकी हिस्सों में भी उन्होंने अपनी स्वीकार्यता पिछले काफ़ी समय में बढ़ाई भी है। कांग्रेस आला कमान के नज़दीक भी हैं, और कांग्रेस आला कमान की नज़दीकी आप उनसे कुछ ऐसी मान लें कि अभी हाल ही में जो चुनाव हुआ था लोकसभा का, उस लोकसभा चुनाव में प्रियंका गांधी वाड्रा का जो प्रोग्राम हुआ था वो एक करनाल में हुआ था और एक सिरसा में हुआ था। सिरसा के रथ में जो उनका चुनाव प्रचार पर निकली थी, रोड शो हुआ था, और उस रथनुमा ट्रक पर जो सवार थी कुमारी सैलजा और प्रियंका गांधी वाड्रा, वो संदेश देने के लिए काफ़ी थी कि वो कितने महत्वपूर्ण और कितनी ज़रूरी हैं। इन सब लिहाज से देख करके ऐसा लगता है कि जैसे कांग्रेस के अंदर, खासकर कांग्रेस में, जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में कहा था कि क्या अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो फिर एक बार कोई और सांसद, किसी सांसद को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जा सकता है। वैसे आपको क्या लगता है, हमने जो बताया आपको किसी सांसद को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जा सकता, आप इससे कितने सहमत हैं? अगर ऐसा है तो क्या फिर दीपेंद्र हुड्डा पर भारी होंगे और या फिर कुमारी सैलजा उन पर भारी पड़ेंगी? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।